कल जो समोसे वेड़ई तुम लेकर आए थे उसमें से मैंने खाया था। हाय गाइस, दिस इज फ्रेंकली साक्षी, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट ब्लॉग। सो गाइस, आई होप आपको सारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और कल का ब्लॉग आपने लास्ट में अगर देखा हो तो मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं डाइट प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ, ये आप लोगों को डाउट है। और भाई और खुशी बेड़े को समोसे लेकर आए थे, तो आप में से बहुत लोगों को डाउट है कि आपने तो खाया होगा। और बहुत लोग पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं, आपने नहीं खाया, आप में चेंज दिख रहा है। बस उसी डाउट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हो, तो चलो भाई और खुशी से ही पूछ लेते कि मैंने खाया था नहीं खाया। चलो शेफ गाइस, आजकल खुशी का नाम मैं नए नए इन्वेंट ज्यादा करती हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से किचन में दिख रही है ना, मुझे लग रहा है आगे जाके वो शेफ बनने वाली है। चल बता क्या बनाया। उपमा। वो छोड़ चले तरह भैया। और खुशी, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कल जो समोसे वेड़ई तुम लेकर आए थे उसमें से मैंने खाया था। हाँ भैया झूठ मत बोलो, कसम से। तो मैंने खाए थे ना। टांग खींच रहे हैं मेरी, भगवान कसम, जल्दी बोलो, सच बोलो। सच ही बोल रहे। अच्छा टेस्टी है। नाश्ता करने के बाद मिलते हैं, फिर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज तो मैं उस सरप्राइज की बात कर रही हूँ जो कि मैंने नीचे बोला था कि मैं आप सबको सरप्राइज देने वाली हूँ। अरे धीरे बोलो यार। सॉरी। अपनी फैमिली में से एक सब्सक्राइबर ने, मतलब उनकी बहुत ज्यादा दिली इच्छा है कि मैं प्रैंक करूँ, और वो भी बवाला प्रैंक था जो कि एक बार फेल हो गया था। पर उसके बाद से हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप सबको तो पता ही है कितना ज्यादा सीरियस माहौल हो गया था हमारे घर का। क्योंकि आप सबको तो मैं इतना नहीं बताती हूँ, बट मैं और खुशी जानते हैं कि क्या माहौल रहा है हमारे घर। बहुत सीरियस था, और उस टाइम पर हम ये करते ना डर जाते। और इतना भी मतलब प्रैंक करो, हाँ मजाक वाला है, हाँ। इतना भी मत करो कि तो अच्छा नहीं लगे इतना। माहौल बिल्कुल गर्म है और सीरियस भी है। देखो गर्म तो यार पैर भी चिका रहा है, इतना गर्म है, पसीना भी आ रहा है, बहुत ज्यादा ही गर्मी है। तो चलो फटाफट डिस्कस करते हैं। चलो बताओ खुशी, क्या होने वाला है फिर? बता दूं? हाँ। क्योंकि डिस्कशन तो हो चुका है, ऑब्वियसली हो गया है गाइस, क्योंकि हम ऐसे तो एकदम से अभी अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे, हमने पहले सोच के रखा था, फिर उसके बाद आप सबको बता रहे हैं। दो थे, दो में से एक एक डिसाइड हुआ, ऐसा ही है। तो मैं डायरेक्ट आपको फाइनल वाला बताती हूँ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि मम्मी मंदिर गई थी ना, उससे पहले भी मेरा पेट दुख रहा था और अभी भी मेरा पेट दुख रहा है, प्रैंक में, नॉर्मली प्रैंक में दुख रहा है, ऐसे सीरियस में नहीं दुख रहा है। पेट मेरा इस हद तक दुखेगा कि हम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हम मतलब मैं और खुशी, हम दोनों ही प्रैंक शामिल रहते हैं हमेशा। फिर हम निकलेंगे तो हॉस्पिटल के लिए, पर घूम घाम के तो आराम से आएंगे। हम लेके आएंगे दीदी। फिर हॉस्पिटल का नाम सुनते ही तो आप सबको पता है कि माहौल थोड़ा गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे, फिर थोड़ा बेहोश होंगे ना तो ज्यादा सीरियस लगेगा। अब तो ठीक है, आपकी पसंद के लिए हमने इतना सोचा, और हम दोनों को पता है ये मिक्स प्लान है। एक प्लान तेरा था, एक मेरा था, और उन दोनों को मिक्स करके हमने ये वाला फाइनल निकाला है। तो अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से कमेंट कर दो। लास्ट टाइम की तरह पैर मत तोड़वाना। पैर टूटा था क्या? टूटा था, किसी का लगी थी ना तुम्हारे पेट में? हाँ, उल्टी गिरी थी ना मैं, और उसके बाद भी किसी ने कुछ नहीं बोला, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। पर आज नहीं होगी, आज सबके ही होश उड़ेंगे। चलो अरे खुशी सुन, दीदी मम्मी नीचे आ गई यार, गेट खोलो यार, मैं जाने वाली थी, पापा नहा रहे हैं। मम्मी आई तो गई। मम्मी गेट किसने खोल दिया? अच्छा पापा ने। यही ना और यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी मम्मी को थोड़ा सा सीरियस करने की, तो यहाँ मेरा प्लान थोड़ा थोड़ा सा काम कर रहा है। और यहाँ पर हमारा प्लान चौपट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मम्मी ने बोला भैया को ले जा, वो ज्यादा अच्छे से चेकअप कराएगा, इतने अच्छे से खुशी नहीं करा पाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर एक बार को मम्मी को शक भी हो गया था, क्योंकि खुशी बार बार फोन को उठा रही थी ना और दूर रख रहे थे हम लोग, तो वॉइस सही नहीं आ रही थी। फिर हमने नॉर्मली कवर कर दिया। तब दुखा था, नॉर्मल दुखा था, इतना ज्यादा नहीं दुखा था।
चक्कर तो है। दवाई वगैरह सब पैक कर लिए, ये देख रही कोई सर ही दिख रही है, हम लोग ले पैसे डाले इसमें। कभी ये दुखता है कभी वो दुखता है, तो दिन में 4 किलोमीटर गाड़ी चला के ले जाऊंगा। तो नहीं तो तू रहने दे ना, मजा तो रहने दे। दीदी तैयार हो जा, बाहर बहुत सीरियस माहौल है, बंदे जाने की तो जाने। सब बता देना मुझे। सो गाइस फिलहाल मेरा बहुत ज्यादा तेज पेट दुखने लगा है, तो कुछ अटेंडली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मैं जा रही हूँ। बैठ गई हो जैसे मत करियो, मैं बताऊँ मुझे चले जान दे, तुम कर दिए बेटा। और यहाँ पर मुझे इतना बड़ा झटका मिला कि मुझे कोई एक्सेप्टेशन ही नहीं थी। कहाँ पर जाना है, कहाँ पर क्या हॉस्पिटल जाना है यार, और कहाँ जाना है ट्रेन चल रहा है ना, ये सब पागल ले भैया, क्या 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 देखो सब सुनाई देता है कान है, चुपके चुपके से प्लानिंग करने से नहीं पता चलेगा क्या? मैंने सब सुन लिया, तूने कब सुन लिया यार? अच्छा छत पे प्लानिंग चल रही थी, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे तो कान ही नहीं है। वाह रे वाह चतुर, कहाँ बता कहाँ जाऊँ अब ऐसी दोपहर में, मुझे ही पागल बना के ले आई। और मतलब ये तू जो घर में कर रहा था वो सब तू नाटक कर रहा था? अरे मुझे काम था भैया, इसलिए मैं आया हूँ। और तुम मेरे को क्यों लेके आया फिर? तो तू तो बीमार है ना भैया? नहीं मैं तो नाटक प्रैंक कर रही थी यार। तो वो तो मम्मी के सामने कर रही थी, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा शामिल हो जाता हूँ। हमारी जान निकल गई कि हमारा प्रैंक फिर से फेल होने वाला है। अब कहाँ जाए ऐसी दोपहर में, ले तो आई है बाहर। एक काम करते हैं आम ले चलते हैं। तो गाइस भैया को तो सब पता है यार, हमारा फिर से प्लान फ्लॉप होता सा दिखाई दे रहा है। भैया एक काम कर, तुझे तो पता है ना, एक काम कर तू मम्मी को मत बताइए प्लीज। अगर बताना होता तो तभी बता देता ना यार, मतलब मम्मी के साथ प्रैंक करेंगे तीनों मिलके कुत्ते। गाइस आप भैया भी शामिल है इसमें, हमारी कोई गलती नहीं, हमने बिल्कुल प्लान के साथ किया था, ऊपर का गेट भी लगाया था, अब क्या करें यार, इसे सुन लिया था। सही बोलते हैं दीवालों के भी कान होते हैं बेटा। फिलहाल गाइस आप सबको तो पता ही है कि हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको हमने यूटिलाइज किया और आम ले लिए और बैंक का भी काम कर लिया। बस अब हम घर जा रहे हैं, बोलेंगे कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी वाले अंकल बैठे थे तो उन्होंने पर्चा नहीं बनाया, डायरेक्ट दवाई लिख दी। ये सारे जो आइडिया ना वो भैया दे रहा है, मेरे दिमाग में और खुशी के दिमाग में तो आया ही नहीं। हम गन्ने का जूस पीने आए हैं, गन्ने का जूस पीने के बाद ही होश होंगे, इसके तबीज वाला है। चलते हैं अब घर, स्माइल कम सैडनेस ज्यादा। चल अब बीमार हो जा फटाक से, वो तो वही। अरे यार स्माइल हां पता नहीं, लेकिन उसने बोली कि मुझे तो सब पता है। गाड़ी पे लगा, गाड़ी पे नहीं जमीन पे बेहोश पड़ी हूँ ऐसा लगा मुझे। सोमवार को तू दिखाई मेडिकल कॉलेज बैठ जा भैया, बोल रहा है कि रास्ते में गिरी गिरी फिर रही। दीदी चल अंदर चलते हैं। दीदी ज्योति तो रास्ते में वो पिला देता ना, वो भी पानी कहाँ है थी? ये ज्योति ये क्या कर रही हो? ज्योति ज्योति दीदी
जल्दी बैठ जा, थोड़ी देर आराम से बैठ जा। बैठ जा नहीं, मुझे पानी दे कुछ ही, मुझे वापस से चक्कर लानी। बोलो कोस गोर गोर का पी पानी। चल चल ऐसी सो रख के आ जा। सो जा। ना कर दिया यार। रील सी भी नहीं देख मिल रही सबके सामने। ये सो सो जा। इंसान बड़ी मुश्किल से तो रील्स के लिए टाइम निकालता है। मेरे से बोल रही थी तू हंस गया तो एक्टिंग के बगल में कितने लोग हंसते हैं, पर वो एक्टिंग करती है ना अच्छी सी। तूने एक्टिंग अच्छी नहीं करी, अच्छी बनती है। सब चक्कर दूर भगंगे एक बीमारी सही भाई तो दो चार बीमारी। हम तीनों की शक्ल तो गाइस नॉर्मल थी और हम बहुत ज्यादा हंस रहे थे, पर आप मम्मी की शक्ल देखो ऐसा लग रहा था वो बहुत ज्यादा डर गई है, मतलब रोनी सी हो गई थी उनकी शक्ल। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। और कुछ दिनों से रियली में गाइस मेरा पेट बहुत ज्यादा तेज दुख रहा था, तो शायद मम्मी को भी यही लगा कि आज भी वैसा ही हो। और पेट क्यों दुख रहा था उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ज्योति आ जा, बस बहुत हो गया, आ जा। तुम्हारे साथ मजा आता है, मैं भैया के साथ भी करने वाली थी पर भैया को पता नहीं कैसे पता ही चल गया। कहाँ तक घूम के आए तो बड़े गन्ने का जूस मूस पी गन्ने का आम लेके आए, गन्ने का जूस पी कर आए हैं और चक्कर काम के घूम घाम के आया बढ़िया मस्त। कहाँ है तुम्हें लग रहा है कितना अच्छा मौसम है बाहर का, देखो जरा। वैसे ही तो तमन्ना मैंने इतनी गंदी एक्टिंग करी है ना तू कोड़ी की, बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं करी आज तक। नहीं करी तब तो मेरी नाड़ी के सब को बता दिया करो तो प्रैंक हो रहा है उनके एडवांस में बता दूं तो मैं चिंता हूं। यहां पे बैठ के बेहोश हो गई थी, फिर हंस रही थी। नहीं नहीं, पहले तो दीदी पापा के सामने है ना बेहोश हो गई मेरे, अभी क्या हो रही है बैठ, अभी रुक जा पापा को जाने दे पहले, उसके बाद हुई क्यों डमी लगा रहा तुम्हारे मुंह से लगा है। तो सीरियस बने पे अभी मैं कभी भी है ना इतनी यही मेरे में आदत है कि है ना मैं बौखला जाती हूँ। सीरियस सिचुएशन पे भी हम अपने आप को शांत रखते हैं मम्मी है ना। तो गाइस ये था हमारा प्रैंक, भैया को पता चल गया ना, पर चलो कोई नहीं, आपसे मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपसे आइंदा सीरियस प्रैंक करूंगी नहीं, क्योंकि इतना गंदा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो मेरा प्रैंक ओके ओके लगा, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, बुरा लगा तो भी बताना। चलो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय बाय बाय।